सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। दोस्तों, आज हम सब लोग चर्चा ये करेंगे, स्वच्छता मिशन एक दौर पूरा कर रहा है और अभी अभी मैं उस चंपारण से लौटा हूँ जिस चंपारण के गांधी के प्रयोग के बेसिस पे हमारे प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी। गांधी के चंपारण जाने के सेंटेनरी से आयोजनों से इसको जोड़ा था और उसके बाद स्वच्छता मिशन किस किस्म का प्रोग्राम रहा है, कैसा चला है और इस सरकार के लिए उसने क्या कुछ किया है और क्या कुछ दिया है और हम सब लोगों को क्या कुछ दिया है, ये इस 5 साल का एक उपलब्धि है। बल्कि इस सरकार की जो 2-3 उपलब्धियां सबसे बड़ी गिनाई जाती हैं, मानी जाती हैं, उसमें स्वच्छता मिशन भी है और इसने उसको काफ़ी फ़ायदा दिया है, मुल्क को काफ़ी फ़ायदा दिया है। और ये उम्मीद की जा रही है कि 2 अक्टूबर को जब फिर गांधी के 150 साल का आयोजन शुरू होगा बड़े पैमाने पे, तो प्रधानमंत्री पूरे देश को ODF अर्थात खुले शौच से मुक्त होने की घोषणा करेंगे। ये तैयारी बड़े पैमाने पर लग रही है, अभी ये घोषणा नहीं होती है तब तक इसको फाइनल मानना नहीं चाहिए। तो जो कुछ चंपारण में देखा वो और जो कुछ अपने हिसाब से समझ में आया वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। चंपारण जाने के बाद निश्चित रूप से अपने गांव गया था मैं, मेरा गांव का मतलब चंपारण का गांव है, और 10 दिन बिता के आया। इस दौरान गांव काफ़ी बदला है और बदलाव में एक जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो शौचालयों का बनना है। काफ़ी सारे घरों में, लगभग सब घरों में, हालांकि जो कहा जा रहा था वो ये है कि लोगों ने पैसे लिए और नहीं बनाया, ऐसा भी काफ़ी मामला है। मैंने कोई सर्वे नहीं किया ना अपने गाँव का ना आसपास के किसी इलाके का, लेकिन गाँव में शौचालयों की संख्या अचानक काफ़ी बढ़ी है और उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। लेकिन गाँव के ठीक बाहर निकलते ही इस बरसात में और बाढ़ के पानी में जो शौच सड़क के किनारे और मेड़ों पर दिखाई देना शुरू होता है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखा। रेल लाइनों के आते जाते, जो रेल लाइनों की पटरियों के आसपास जो चीज़ें दिखती रही हैं गंदगी, उसमें कोई बहुत फ़र्क नहीं दिखा। तो अगर पूरी तरफ से ODF फ्री घोषित होता है तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी कमी है जिसको ढकते हुए ये घोषणा की जा रही है। तो इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य तो ये भी है कि हम इस पर सवाल उठाएँ कि 5 साल पूरा होने के बाद और इस घोषणा के बाद भी सरकार हाथ पे हाथ धर के न बैठे, अगर ये उसका बड़ा मिशन था और इससे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, तो वो इसको रिव्यू करे और जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने की कोशिश करे और जो लाभ हुआ है और जो अनुभव हुआ है उसके बेसिस पे इस कार्यक्रम को और व्यापक बनाए। क्योंकि गांधी का जो मिशन था स्वच्छता मिशन वो सिर्फ ODF का नहीं था। गांधी जब चंपारण गए थे तो चंपारण में भारी गंदगी थी और गंदगी के साथ कई किस्म की बीमारियां थीं। उन बीमारियों के पीछे जो कारण थे, जैसे उस समय चंपारण में ग्वाइटर बड़े पैमाने पे होता था, घेंगा, और ये हम जानते हैं आयोडीन की कमी से ये बीमारी होती थी। गांधी ने उस बीमारी को दूर करने के लिए क्या किया? चर्म रोग बड़े पैमाने पर होते थे, उसको दूर करने के लिए क्या किया? मलेरिया बड़े पैमाने पे होता था क्योंकि मच्छर काफ़ी हैं तराई का इलाका होने से, नम इलाका होने से, तो उसके लिए क्या किया? और पेट के गड़बड़ की काफ़ी सारी बीमारियां होती थी, उसको दूर करने के लिए क्या किया? औरतों में रक्तल्पता, एनीमिया, वो अपनी जगह एक बड़ी समस्या थी, उसके लिए गांधी ने क्या किया? इन सब चीज़ों के साथ स्वच्छता का मिशन था। गांव साफ हो, सड़क साफ हो, कुआं साफ हो, तालाब साफ हो, ये सब किया। और इसके लिए शुरुआत के लिए उन्होंने बाहर से कुछ कार्यकर्ता बुलाए थे, थोड़े ही दिनों में चंपारण के अपने लोग साथ आ गए थे। उस दौरान ये हुआ था कि छोटे पैमाने पे स्वास्थ्य, ये जो स्वयंसेवक थे इनको ट्रेनिंग दी गई थी। ये मुख्यतः 3 चीज़ों का इलाज करते थे। अगर किसी जीभ निकलवा के देखा किसी का जीभ सफ़ेद हो
तो उसको अंडी का तेल पिलाया क्योंकि इसका पेट साफ नहीं है, पेट में कुछ गड़बड़ है। अगर बुखार लगातार आ रहा है तो कुनैन खिलाया, अगर चर्म रोग है तो लाल दवाई उसको लगा के और अपना काम ख़त्म किया। इससे बड़ी बीमारी हो तो डॉक्टर देव के लिए वो सब बीमारियां रखी जाती थी कि उनके सामने ले जाया जाए। बल्कि उस समय चंपारण के काफ़ी सारे लोग डरते थे कि हेल्थ वर्कर अगर आए, इस तरह के स्वयंसेवक आए हैं तो वो कुनैन खिला देंगे या अंडी का तेल पिला देंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत कड़वी थी और इससे उनको तकलीफ होती थी। तो इस तरह से गांधी ने स्वास्थ्य और सफाई इन दोनों का मिशन चलाया। औरतों के लिए जो खास तौर से प्रसव से जुड़ा और बच्चों के देखरेख से जुड़ा मामला था उसके लिए चलाया। जो मासिक के दौरान लड़कियों के साथ औरतों के साथ जो सफाई रखनी है, पर्सनल हाइजीन की चीज़ें सिखाने के लिए बाहर से वॉलंटियर मंगाए और उसके माध्यम से गाँव में प्रवेश किया। तो हम देख सकते हैं कि गांधी का तब का मिशन अकेले कितना व्यापक था। और आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री ने स्वच्छता मिशन शुरू किया है और उसको एक मुकाम तक ले आए हैं, तो अभी भी ये ODF पे अगर फोकस था तो अच्छी बात है। इस तरह का अभियान चला के एक चीज़ से अगर मुक्ति मिल रही है या मुक्ति मिलने के कगार पे हम पहुंच गए हैं तो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अभी काफ़ी काम पड़ा हुआ है। जो स्वच्छता मिशन अभी तक चला है उसके बारे में दो तीन तरह का मूल्यांकन मुझे लगता है कि ज़रूर होना चाहिए और करना चाहिए। एक करने की कोशिश तो यही होनी चाहिए कि चीज़ें कहाँ गड़बड़ हुई हैं, किन लोगों ने ये 100% ODF फ्री का सर्टिफिकेट अपने इलाकों को जारी किया है, ऐसे अधिकारियों को लोकेट करना चाहिए, ऐसे जो भी जिम्मेवार लोग हैं उनको लोकेट करना चाहिए। और जिन लोगों ने सचमुच ODF का प्रोग्राम चला के 100% सफलता हासिल कर ली है उनको भी लोकेट करना चाहिए। तो किसी को पुरस्कार, किसी को दंड, और इस हिसाब से फिर उनको आगे जिम्मेवारी देने में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये किया है कि जैसे 5 साल पूरा हो उस समय तक उन्होंने अपने आप को प्लास्टिक की तरफ शिफ्ट कर लिया है। प्लास्टिक आज हमारे जीवन में कितना नरक घोल रहा है ये अलग से बताने की ज़रूरत अभी नहीं है, वो अपने आप में पूरी कहानी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने 5 साल ये पूरा होने के पहले प्लास्टिक पे अगर शिफ्ट कर लिया है तो ये उनकी समझदारी को बताता है कि वो इस प्रोजेक्ट को और डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। मैंने जो पहले जिक्र किया कि अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इधर से बचे पड़े हैं, तो ज़रूर रिव्यू करके देखना चाहिए कि प्लास्टिक के अलावा और क्या कुछ उठाया जा सकता है। दूसरा, जो अगर इस प्रोग्राम के सहयोगी हों, क्रिटिक हों, उनको भी ये देखने की ज़रूरत है कि इस प्रोग्राम का एक हिस्सा तो शौचालय बनाने और बाकी कामों पे खर्चा हुआ है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा प्रचार पे खर्चा हुआ है। अब वो प्रचार का दो तरफा मामला है। प्रचार का मामला ये भी है कि इससे लोगों में चेतना बढ़ी है सफाई रखने के बारे में, और प्रचार का दूसरा मामला पॉलिटिकल भी है कि प्रधानमंत्री की सफलता या BJP की सफलता और उसके चुनावी सफलता में भी इस प्रचार का लाभ मिलता है। तो रेशियो किस तरफ है, झुकाव किस तरफ है, इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। और अगर लोगों में चेतना बढ़ाने की बात है तो उसके लिए जो भी प्रचार, जो भी खर्च हो, जो भी प्रचार हो, वो सब जरूरी है और वो चलना चाहिए। अगर राजनीतिक लाभ लेने का प्रचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसका दायरा थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए और ये भी विचार करना चाहिए कि क्या हमारी प्रायोरिटी ठीक है। प्राथमिकता में ODF खुला शौच सबसे बड़ी समस्या थी या दूसरी समस्याएं हैं। मैं अपने गांव में जितने दिन था मुझे लगता है उसी दौरान सांप काटने के कई केस हुए। जिस घर में हम लोग रहते हैं, जो हमारा पैतृक घर है, उसके ठीक बगल में एक आदमी है जो सांप का मंत्र जानता है, ऐसा उसका दावा है। और उसके पास मुझे लगा इस पूरे दौरान कि रोते गाते लोगों के आने का क्रम कभी नहीं थमा। कोई दिन शायद ही हुआ जिस दिन उसके पास इस तरह का झाड़ फूंक नहीं हो रहा हो। लोग ठीक होके जाते हैं, रोते गाते जाते हैं, कई अस्पताल वहाँ से भागते हैं। उसमें क्या कुछ हुआ ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि सांप काटे का हमारे पूरे इलाके में और पूरे ज़िले में जो एक सुई होनी होती है सांप काटने पे तुरंत लगती है, वो किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। वहाँ एक मिशन अस्पताल है रक्सौल में डंकन का, उसी के यहाँ वो उपलब्ध है। हमारे बचपन के दिनों में हम सुनते थे कि सांप काटे के लोग वहाँ पहुँचते हैं, वो सुई मुफ्त मिल जाती है।
आज के तारीख में वो सुई भी काफ़ी महंगी वहाँ हो गई है। किन वजहों से हुई है ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन सुई वहीं उपलब्ध है, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। जब मैं गांव में था ठीक उसी समय वायरल का दौर, क्योंकि मौसम बदल रहा है, सब जगह वायरल फैला हुआ है, हमारे यहाँ भी, हमारे घर में जो काम करता है मजदूर, उसके पोते को बुखार हुआ, गांव के किसी क्वैक ने उसको जाने क्या दवा दी, उसका बुखार, उसकी हालत और ख़राब हुई, फिर वो किसी और दूसरे के यहाँ गया, उसने एक इंजेक्शन लगाया, उस बच्चे को, डेढ़ साल के बच्चे को, जिस तक किस्म के छाले पूरे शरीर में आ गए, मैं एक मेरे रोंगटे सचमुच खड़े हो गए कि ये बच्चा अब बचने वाला नहीं है, और इसको डॉक्टरों ने मार दिया, बुखार ने तो क्या मारा होगा। लेकिन नए डॉक्टर के पास भेजने पे, नया इलाज होने के बाद वो बच्चा बच गया, वो सारी चमड़ी, जब मैं आया हूँ वो चमड़ी उतर रही थी। तो स्वास्थ्य के पैरामीटर में जो इतनी बड़ी बड़ी आयुष्मान योजना से लेके क्या क्या अनाउंस हुआ है, और इतने लाख का इलाज फ्री, और वो कहाँ इलाज का सिस्टम है, कहाँ रह गया है, और ये प्रचार और ये नेटवर्क सरकार और लोगों के बीच क्यों नहीं बन पा रहा है। बीजेपी अपने को क्लेम करती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और 15 करोड़ मेंबरों की पार्टी, ये 15 करोड़ मेंबर क्या सिर्फ वोट देने के लिए या मोबाइल से अपना रजिस्ट्रेशन कराने भर के लिए हैं, या सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने के लिए भी हैं? ये भी देखने की चीज़ है कि स्वास्थ्य की प्राथमिकताएँ ये हैं कि बच्चों को गैस्ट्रो का रोग होता है, सीजनल बुखार हो रहा है इस किस्म का बड़े पैमाने पे, सांप काटने का, कुत्ता काटने का, प्रसव के तकलीफ़ में जो औरतें मरती हैं, तो इन चीज़ों को प्राथमिकता दें या ODF जैसी चीज़ को प्राथमिकता दें, ये अपने आप में एक बड़ा मसला है, और सरकार को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए, ख़ास तौर से तब जब स्वच्छता मिशन के एक बड़े प्रोजेक्ट को वो सफल 100% सफल बताने जा रही है और उसका रिव्यू भी आगे निश्चित रूप से होगा, तो उस रिव्यू में इन चीज़ों की, इन प्राथमिकताओं की भी चर्चा होनी चाहिए। मैं अपने इलाके की बात कर रहा था तो मुझे काफ़ी सारे इलाकों में पीने की पानी की समस्या, कुपोषण की समस्या, बच्चों के छोटे रह जाने की, उनका ठीक से ग्रोथ ना होने की समस्या, इन सब की रिपोर्ट का ध्यान है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, खुद प्रधानमंत्री के इलाके गुजरात में, इस किस्म के सोशल ग्रुप्स हैं, आदिवासी ग्रुप हैं, समूह हैं, जिनके बच्चे बौने हो जा रहे हैं, जो जनजात कुपोषण के शिकार होते हैं, और जो जनरेशन से कुपोषण, उसी कुपोषित बच्चों से जो नए बच्चे पैदा होते हैं, अगली जनरेशन आती है उसके कुपोषण की बात है। तो स्वच्छता मिशन को व्यापक रंग रूप दिया जाए 5 साल पूरे होने के बाद, और ये जो अनुभव आया है इस अनुभव की समीक्षा ठीक से हो, इसमें रिवार्ड पनिशमेंट अपनी जगह हो, लेकिन प्रायोरिटीज़ फिर तय करने में एक बार विचार किया जाए नए सिरे से कि जो सफलता मिली है और जो ज़रूरत हमारी है, उन ज़रूरतों में किसका नंबर और ऊपर होना चाहिए। प्रधानमंत्री कम अनुभवी हो या समाज का पता उनको नहीं हो, ये नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी चीज़ों को ठीक से पिन पॉइंट करना नहीं हुआ है। इस सफलता पर बधाई देने के साथ भी ये कहा जा सकता है कि जो कमियां हैं, बधाई से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी समीक्षा हो और आगे के प्रोग्राम में इसका ध्यान रखा जाए। ये प्रोग्राम इतना ही, आगे फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।